एवरीवन वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ लेक्चर 3 में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके जीएस एंड जीके के अंदर पॉलिटी चल रही है और आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी कर की टीम ने आपके लिए उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। तो उड़ान बैच के अंदर पॉलिटी आपकी कंटिन्यू हो रही है, आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में मैं आज आपके लिए कुछ अलग और स्पेशल लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूं, जो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको बैकएंड की कहानी, जो स्टोरी, जो थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसी के बेसिस पे मैं आज आपको 25 एमसीक्यूज लेके आया हूं, जो कि एक प्रीवियस ईयर में भी पूछे हुए हैं, जहां जहां पे आए हुए हैं, और दूसरा कुछ मैंने अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं सीट के अंदर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत में ये जो EIC लिखा हुआ है इसका मतलब है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली थी। तो दोस्तों अगर जो आपने पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो ये MCQs आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाले हैं। तो जो भी नए दोस्त इसको विजिट कर रहे हैं, नए मेरे भाई विजिट कर रहे हैं, तो पहले वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जाकर देखें, तभी ये MCQs आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत में क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री खोली थी। तो ऑप्शन है आपके सूरत, मुसलीपट्टनम, कोलकाता और मद्रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप सभी को पता होगा क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, मुसलीपट्टनम। कितने में खोला था आपका, 1611 में। अच्छा, मुसलीपट्टनम पड़ता कहां पे आपका, आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, थॉमस रो भारत में किसके दरबार में आया था। तो जो ये थॉमस रो था ये ब्रिटेन के थे और ये भारत में जब आए थे तो किसके दरबार में या किसके शासनकाल में आए थे, तो सूरत के अंदर आए थे। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, 1612 में। 1612 में सूरत में आए थे कि हमको सूरत में क्या करने दे, व्यापार करने की परमिशन दे दे, परमिशन लेने आए थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध के ऊपर एक काफी बड़ी कहानी है जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन है आपके 1757, 1758, 1760 और 1752। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, भारत के इतिहास में ब्लैक होल घटना हुई थी। तो जो ये 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये एक्चुअल में था क्या, ये जो ब्लैक होल घटना हुई थी ये इसी का एक परिणाम था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया था कि हम अब भारतीयों के साथ खुलकर लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। तो ये इसी का ही परिणाम था क्या, प्लासी का युद्ध 1757 किसका परिणाम था, ब्लैक होल घटना का। क्योंकि सिराजुद्दौला ने जो फोर्ट था, जो किला था, उसको घेर लिया था चारों तरफ से और उसमें जो 140 लोग कैद किए थे उसमें से गर्मी और उमस के कारण 123 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि जगह बहुत काफी छोटी सी थी उस जेल की, उसमें बस 6 ही लोग आ सकते थे और घुसा दिया कितना, 140 को घुसा दिया। तो इसी वजह से गर्मी और उमस के कारण 123 लोगों की मौत हो गई। और ये कौन लोग थे, ये गोरे लोग थे, मतलब कि ब्रिटिशर थे। तो इसी कारण जो आपका 1757 का प्लासी का युद्ध है, तो कौन लड़ा, रॉबर्ट क्लाइव, किसकी तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से और भारत की तरफ से, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो ब्लैक होल जो घटना हुई थी वो कितने में हुई थी, 1756 में ये ब्लैक होल की घटना घटी और इसी का परिणाम 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इलाहाबाद की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। जो इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद थी तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपका युद्ध हुए थे, ऑप्शन है पहले प्लासी का युद्ध, वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, मतलब कि 1764 की बात की जा रही है, कितने की, 1764। बात करते हैं वाडीवास, तो वाडीवास कितने में हुआ था हमारा,
वाडिवास कितने में हुआ था हमारा 1760 और प्लासी कितने में हुआ था 1757। तो जो ये बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और आपका भारतीय भारतीयों की ओर से कौन लड़ रहा था, भारतीयों की ओर से मीर कासिम प्लस मुगल एम्परर कौन शाह आलम द्वितीय, दोनों की कंबाइंड सेना लड़ रही थी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया। तो ये जो बक्सर का युद्ध था ये इलाहाबाद की संधि के ही द्वारा समाप्त हुआ और मुगल एम्परर को कह दिया गया कि आपको कुछ परसेंटेज हम फिक्स कर देते हैं, इतना आपको मिले जाएगा, अब आपका हमसे कोई मतलब नहीं है। ये इलाहाबाद की संधि थी। तो समझ आ गया इलाहाबाद की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया। जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया ये कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किस युद्ध में किया था, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 1774 के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों आपको पता है 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत एक कलकत्ता के अंदर 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय हम कह सकते हैं, मतलब कि उच्चतम न्यायालय बनाया गया। उसका एक मुख्य जज मतलब कि मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो उनमें से जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि वो कौन थे जो मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, एलिजा इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एलिजा इम्पे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से इसमें डाले हैं। तो ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ाया हुआ ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित एक्ट मतलब अधिनियम, निम्नलिखित अधिनियम में से कौन केंद्रीयकरण की नींव रखता है। दोस्तों आपने अगर जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे ढंग से पढ़ा होगा या सुना होगा तो आई होप, मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी दुविधा आ रही होगी, क्योंकि जो केंद्रीयकरण की नींव रखी गई थी मतलब कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, क्योंकि जो मद्रास और बॉम्बे के जो एक जो अपने आप में स्वतंत्र प्रांत थे उनको किसके अधीन ले जाया गया, बंगाल के, और वहां क्या बना दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो ये बॉम्बे और आपके मद्रास थे ये उसके अधीन ले जाए गए। तो मतलब कि एक मुख्य हो गया, तो यहीं से सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई है। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा आपका, 1773 के अधिनियम से केंद्रीयकरण की नींव रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पद बनाया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया था उस पद को सुशोभित करने वाला, उस पर पहला, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, उनके बारे में पूछा गया कि कौन थे वो। तो ऑप्शन है आपके विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। कई बार फैक्ट पूछा गया है पेपर में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बच्चे कंफ्यूज में आ जाते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आपको डिफाइन करी है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, कौन से एक्ट में बना था, और आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन से एक्ट में बना था। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, का गठन किस एक्ट में किया गया था। तो दोस्तों
दो थे, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट था वो कौन थे, वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में काम कर रहे थे या भारत के लिए कानून बना रहे थे। तो वहां ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा कि एक नया बोर्ड का गठन किया जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। कंट्रोल मतलब कंट्रोल में लाना चीजों को, तो ये गठित करके भारत भेजा। इसके जो इसकी परिषद काउंसिलिंग में जो सदस्य थे वो कितने सदस्य आए थे, 6। तो ये किसको, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था और पार्लियामेंट क्राउन को रिपोर्ट करती थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट में किया गया है, तो ऑप्शंस है आपके 1773, 1784, 1813 और 1909। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है कितने अच्छे तरीके से ये चीजें समझाइए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये गठन किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस एक्ट में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई, तो किस एक्ट में की गई थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो आज हम बोल पा रहे हैं इंग्लिश, जो हमारे वेस्टर्न की जो हम जो भाषाएं बोल पा रहे हैं वो किस बेसिस पे आज हम ये कर पा रहे हैं, वो इसी बेसिस पे जो कि हमारे लिए शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए का उस टाइम 49 लाख टोटल जो भारत का आपका बजट था वो कितने का था, 49 लाख का था। उसमें से 1,00,000 रुपए शिक्षा के ऊपर लगाया गया, किस एक्ट के द्वारा लगाया गया था, आपका 1813 एक्ट में पहली बार शिक्षा के ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है भारत के प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है या रखना चाहिए आपको कि ऐसे मिल जाता है, ये कंफ्यूजन के क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बच्चे को कंफ्यूजन में आ जाता है कि आखिर कौन सा था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि जो स्टडी करके क्लास को करके जा रहा है, जो स्टडी करके फॉलो कर रहा है, आई होप उनको कभी भी पॉलिटी के सेक्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या है, कंपनी का शासन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन भारत से पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन से आपके 1813, 1833, 1909 और 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है 1833। 1833 में कंपनी का जो व्यापारिक काम था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। और 1813 में क्या था, जो कंपनी का शासन था उसको 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया और चीनी और चाय केवल दो चीजों पर रह गया था, चीनी और चाय पे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दास प्रथा को किस एक्ट से समाप्त किया गया था, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने खत्म किया था या किस एक्ट में खत्म किया गया था, क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन है आपके 1813, 1833, 1784 और 1935। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में खूब अच्छे से ये चीजें पढ़ाई हैं कि दास प्रथा को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया था, तो 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। और किसने किया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। किस एक्ट में पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में लिया गया, मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसलिंग का मतलब है कि भारतीयों को केवल कानून बनाने के लिए अंदर ले लिया गया कि आप आओ और कानून बनाने में हमारी मदद कर सकते हो, अपने विचार दे सकते हो, पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन में आपका कोई अधिकार या कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा, आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे।
हम कानून अपने तरीके से लागू करेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग का मतलब है कानून बनाना। तो पहली बार किस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में भारतीयों को लिया गया था? तो सभी को अच्छी तरीके से पता है ऑप्शन है 1853, 1833, 1861 और 1935। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 1861। 1861 में पहली बार भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली बार पूर्ण रूप से सिविल सेवा की शुरुआत भारत में की गई। तो जो दोस्तों पहली बार जो सिविल सेवा की पूर्ण रूप से शुरुआत की गई थी वो किस एक्ट में की गई थी? सिविल सेवा का मतलब अभी यहां पे यूपीएससी नहीं आता है, यूपीएससी आपका निकल कर आएगा बाद में। ये जो सिविल सेवा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर की बात है, मतलब कि हम जो भारतीय थे वो सिविल सेवा के पद पर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सकते थे। लेकिन ये जो एग्जाम होता था ये भारत में ना होकर कहां होता था? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में होता था। तो कौन सा इसमें एक्ट था, कौन से पहली बार हुआ था? तो ऑप्शंस हैं आपके 1853, 1854, 1833, 1861। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1853। 1853 के अधिनियम में ये कहा गया था कि पहली बार भारतीयों को सिविल सेवाओं के लिए लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम ब्रिटेन में ही होगा। और इससे पहले जो 1833 का एक्ट आया था उसमें क्या था, भारतीय को सिविल सेवा के लिए लिया गया, मतलब कि ये कह दिया गया था उस एक्ट के अंदर कि भारतीय आए और सिविल सेवा में अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर भेजा गया था उसने इस चीज का विरोध किया। किसका? क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने आया था, भले ही रिप्रेजेंटेटिव किसका है, क्राउन का था, लेकिन काम कहां कर रहा था? भारत में। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इन्होंने इनका विरोध किया कि हम भारतीयों को नहीं आने देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो एक हो गया बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और अब की बार आ गया भारत का पहला वायसराय कौन था। मतलब कि आपके वायसराय के नाम से ही आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि अब कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त और डायरेक्ट कौन राज कर रहा है, ब्रिटेन के क्राउन या ब्रिटेन के राजा या ब्रिटेन के मोनार्क भारत में राज कर रहे हैं। तो भारत का जो पहला वायसराय था ऑप्शन है आपके लॉर्ड कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मिंटो। तो मैंने आपको बताया विलियम बेंटिंक कौन थे, आपके जो विलियम बेंटिंक थे ये कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो 1919 में जो वॉयस रॉय थे, 1909 में जो वॉयस रॉय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो बचे कौन, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वॉयस रॉय थे। तो आप इसको याद रखेंगे, कई बार फैक्ट पूछा गया है एग्जाम के अंदर, रिपीटिंग कई बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत राज्य सचिव का पद किस एक्ट में बनाया गया था? तो दोस्तों जो भारत का राज्य सचिव बनाया गया था इसका मतलब कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया है, भारत का राज्य सचिव मतलब भारत का कोई व्यक्ति नहीं था, ये जो भारत का राज्य सचिव था ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट यानी ब्रिटेन की कैबिनेट का ही एक सदस्य था। इसकी काउंसलिंग के लिए, इसकी काउंसलिंग में 15 सदस्य और आए थे जो इसकी हेल्प के लिए थे। ये जो भारत में जो राज चल रहा था इसको कौन देख रहा था, अब बात चल रही है क्राउन के समय की, मतलब कि 1858 से और 1947 के बीच की। तो जो भारत में जो वायसराय था, एक तो वायसराय हो गया और एक हो गया भारत का राज्य सचिव, जो इंडिया के अंदर शासन चल रहा था तो उसको दो लोग कर रहे थे, एक वायसराय और एक भारत का राज्य सचिव। तो जो भारत का राज्य सचिव था ये रिपोर्ट करता था ब्रिटेन की पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट रिपोर्ट करती थी ब्रिटेन के क्राउन को। तो ये भारत का सचिव का जो पद बना पहली बार तो कौन से एक्ट में बना, 1858, 1853 और 1861 और 1919। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, 1858। 1858 के एक्ट में पहली बार भारत राज्य सचिव का पद लाया गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, विभागीय प्रणाली का पिता कौन है? तो जो विभागीय प्रणाली है इसी को हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? जो आज के समय का हमारा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ये जितने भी मंत्रालय हैं, ये आज के समय में हमें लगता है कितने आसान हैं, ऐसे ही हम बोल देते हैं। पर उस टाइम जब इनको लेकर आया गया था तब ये एकदम न्यू था। तो ऐसा करने वाले जो विभाग बनाने वाले थे, वो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपके? लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन या रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग को पोर्टफोलियो सिस्टम का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किस एक्ट में आया था? तो दोस्तों क्या था ये पृथक निर्वाचन मंडल? आपने अगर जो लेक्चर अच्छे से कवर किया होगा तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत आई नहीं रही होगी इस वीडियो सेशन के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जिन मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने नहीं देखा है, जिन भी बच्चों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, तो भाई वो जाके पहले लेक्चर देखे तब एमसीक्यूज आके सॉल्व करें। तो जो ये पृथक निर्वाचन मंडल था, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जहां जहां से मुस्लिम थे, क्योंकि 1919 में पहली बार चुनाव आए थे, उससे पहले कभी चुनाव नहीं हुए थे, तो पहली बार चुनाव आए थे, तो 1919 में क्या करा, जहां जहां से मुस्लिम कैंडिडेट थे तो उनके लिए क्या करा गया कि मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेंगे। तो पृथक निर्वाचन मंडल लाया गया। तो कौन सा एक्ट के माध्यम से लाया गया? 1909 के एक्ट के माध्यम से लाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे, द्विसदनात्मक विधान मंडल किस एक्ट से आया? तो दोस्तों द्विसदनात्मक विधान मंडल की बात हम कर लेते हैं। जो आज का हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, आज हमारा जो विधानमंडल है, जो हमारा संसद है, वो कैसा है? द्विसदनात्मक है। एक हमारा अपर हाउस है, एक हमारा लोअर हाउस है। जैसा कि आपको पता है अपर हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। और लोअर हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। जो ये लोकसभा और राज्यसभा की नींव पड़ी, ये कौन से एक्ट से पड़ी? जो भारतीय संविधान है, ये जितने भी गवर्नमेंट एक्ट आए, मतलब ब्रिटिश द्वारा जो भारतीयों के लिए एक्ट लेकर आए थे, ये उन्हीं से मिलकर बना है भारतीय संविधान। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल किस एक्ट के माध्यम से बना? 1858 और 1935। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल लाया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, यूपीएससी की शुरुआत कब हुई? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब से पहले इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई थी, पर अब एक हमारे लिए अपना सिविल, पहले अभी क्या था, सिविल सेवक कहां जा रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, पर अब भारतीयों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। कौन से सन में बनाया गया? 1926, 1930, 1919, 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1926। 1926 में यूपीएससी बनाया गया। और अगर जो आपसे ये पूछ ले कि किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो 1919 के अधिनियम के ही अंतर्गत ये आया था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1919 का अधिनियम आया था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन के मोनार्क ने क्या किया कि जो आपका 10 साल या 20 साल के टाइम पे जो एक्ट आ रहे थे, इनका एनालिसिस करने के लिए एक कमीशन गठित किया गया और जो भारत भेजा जाता था कि जाओ देखो कि इसके क्या इंपैक्ट, क्या प्रभाव निकल के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। तो जो ये साइमन कमीशन था, ये वही कमीशन था जो कि भारत में रिपोर्ट लेने आया था। इसका विरोध क्यों हुआ? इसमें 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे, जो कि सातों के सातों व्हाइट थे। इसी के ही प्रोटेक्ट में चलते हुए लाला लाजपत राय की विरोध करते हुए लाठीचार्ज होने के कारण मृत्यु हो गई। तो ये कब आया था? 1927 में आया था। अगर जो आपसे पूछ ले किस एक्ट की जांच करने के लिए आया था, तो 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारत का एक अपना बैंक भी होगा। तो
तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1909, 1935, 1937। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में आरबीआई लाया गया था। बात कर लेते हैं 1937, जो आज का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय हम कह सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जितने भी मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया था प्रीवियस ईयर थे, कुछ मैंने अपनी तरफ से सीट में डाले थे, ये आपको बेहद पसंद आए होंगे। और पीछे के भी लेक्चर अगर जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब मेरा यही रूटीन रहेगा, पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में 25 या 24 या 20 आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आपको पेपर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।